विधानसभा से भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव यादव ने आज जन समर्थन यात्रा निकाली है। शहर के इतिहास की सबसे बड़ी जन समर्थन यात्रा का दावा करते हुए इस भव्य स्वरूप देने का प्रयास कार्यकर्ताओं ने पूरा किया है। आदर्श सड़क स्थित शहीद स्मारक से जन समर्थन यात्रा की शुरुआत हुई है। यहां पर पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव यादव ने शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। बता दें कि धार से भाजपा ने नीना वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव यादव पार्टी से टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। टिकट नहीं बदलने की स्थिति में वे निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि यह चुनाव में नहीं लड़ रहा, आप लड़ रहे हैं। ये चुनाव में जीतने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, ये मैं यहाँ सेवा करने आया हूँ। मैं अपनी दोनों भाभियों से कहना चाहता हूँ कि वे अपना नामांकन वापस ले ले या फिर मुझे समर्थन दे। चुनाव जीतने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरी दोनों भाभियों से निवेदन है कि वो अपने फॉर्म भराए जो वो वापस ले ले या मुझे समर्थन दे। आपने इकट्ठी किए उसके इस्तेमाल कर आनंद लो, सेवा करने का काम मुझ पे छोड़ो। मैं प्रवेश वर्मा जी से भी बोलना चाहता हूँ, हमारी बहन परेशान है यहाँ पर, उसको वापस दिल्ली लेके जाओ। मैं धार के एक युवाओं को, किशनपुर में दुनिया की सारी कंपनियां आ रही हैं और आई हुई हैं, उन सब में रोजगार दिलाने का काम करो। बता दें कि रैली में भगवा झंडा लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और मातृशक्ति शामिल हुई। शहीद स्मारक से यात्रा शुरू हुई जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। धार से मृदुभाषी के लिए आशीष यादव की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।